हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्कर 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 से हाय ऑस्कर ऑस्कर थोड़ा दुखी है आज क्योंकि हम इनके साथ खेल नहीं रहा क्योंकि मुझे खाना पकाना है अभी तो लेट मी टेक यू टू माय किचन तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ओइक दिस इज ओइक शायद आप लोग को पता हो और शायद पता ना भी हो देन लेट मी टेल यू गाइस व्हाट ओइक इज ओइक इज अ हर्ब व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट्स यूज एज वेजिटेबल स्पेशली बाय गालो पीपल आई एम ऑल्सो अ गालो सो ये बहुत गालो ट्राइब का एक कॉमन डिश है तो आज हम इसको बनाने वाले हैं फॉर माय लंच विथ ड्राई मीट यस ड्राई मीट और एक और चीज हम बनाने वाले हैं फॉर चटनी विच इज पेसर तो शायद नाउ शी इज एक्साइटेड अपना बोल लेके हसर हसर तो हसर इज अ फ्रूट इट्स एक्चुअली आई डोंट नो मतलब चेरी फ्रूट ही है तो चेरी जैसा लेकिन चेरी जैसा बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसका इट हैज बिटर टेस्ट तो बी विथ मी गाइस लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम वाटर इन अ वेसल इसे हम पिसल बोलते हैं इन आवर लैंग्वेज एंड लेट इट बॉयल And as you can see that my water is boiling now. अभी मेरा समय हो चुका है ओइक तालने का तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग का लैंग्वेज में ओइक को क्या बोलते हैं और अगर हिंदी में भी मालूम हो देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट एंड नाउ आई एम गोना ऐड टमेटोज वी यूजली कुक इट विद बैम्बू शूट So, but instead of bamboo shoot, I'm using tomatoes now क्योंकि मेरे पास bamboo shoots ही नहीं bamboo shoot के साथ एक अलग सा ही इसका टेस्ट आता है But since I don't have bamboo shoot, I'm using tomatoes but no worries, it's fine, it will be fine और don't forget to add salt and as I told you about stirring, we use this kind of stick, bamboo stick We call it pinyi to stir and आप बस stir करती रहिए और कुछ नहीं करना है You just have to keep on stirring and stirring and stirring That's it guys That's the only मेहनत which you have to do और कुछ नहीं करना है That's it And now it's time for me to add my meat and then stir again stir 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 so abhi hum isko stir karke thoda der pakne ke liye rakh dega 5-10 minute ke liye aur fir baad mein pak jane se hum aake band kar dega gas oscar ye kya hai kya hai फ्रेंड्स मेरा ओइक को तो पकने के लिए हम गैस पे रख दिया मीनवाइल हम आप लोग को एक गाना सुनाते और मुझे यूकेले बजाना नहीं आता बट आई एम लर्निंग सो अभी तक जितना सीखा है थोड़ा सुना Thank you.
बिल्कुल बजाना नहीं आता मेरा, स्ट्रमिंग स्विचिंग नहीं आता, बट स्टिल आई एम लर्निंग गाइस। सो गाइस माय ऑयल इज रेडी सो आई विल कीप इट साइड। और अभी हम बनाएंगे सिर का चटनी। दिस इज सिर पका वाला एंड दिस इज कच्चा वाला। एंड सिर का बॉटनिकल नेम है फीबी कुपरियाना। यस फीबी एज इन फीबी बुफे एंड कुपरियाना एज इन शेल्डन कुपर। एंड लुक एट दिस, द ग्रीन वन इज कच्चा एंड राइप वन इज ब्लैक, ब्लैक इन कलर। जब पक जाते हैं इट्स ब्लैक इन कलर एंड सॉफ्टर इन कंसिस्टेंसी। लुक एट दिस, इट्स वेरी सॉफ्ट। और जो कच्चा रहता है इसका टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बिटर होता है और ये थोड़ा हार्ड भी रहता है। और पका वाला आप बिना पकाए आप सीधा खा सकते हैं लाइक अ फ्रूट, बट सम पीपल लाइक कच्चा ऑल्सो, सम पीपल लाइक बिटर टेस्ट। आई डोंट लाइक इट पर्सनली, सो आई लाइक टू बॉयल इट फर्स्ट एंड देन इसका सीड निकाल के फिर हम इसका चटनी बनाते हैं। आज हम इसको बहुत सिंपल तरीका में बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट आई कीप इट साइड, दिस कच्चा वाला को रख दो साइड पे। और आई मेक इट विथ लुक्तर। तो आप लुक्तर कैसे बनाते हैं और क्या है जानने के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल। आई मेक वीडियो ऑफ लुक्तर बनाने का प्रोसीजर एंड देन आई पोस्ट इट एंड शो इट टू यू गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट आप इसका सीड को निकाल दीजिए ऐसे खोल के। तो सिंस इट्स राइप एंड इट्स सॉफ्ट, तो आप सीड निकालना इज़ नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ द सीड, ओवल इन शेप एंड हार्ड इन कंसिस्टेंसी। इसको साइड करके कंटिन्यू डूइंग द सेम। तो फ्रेंड्स मेरा लंच हो गया है रेडी और अभी है मेरा खाने का समय। आप मेरा प्लेट को देख सकते हैं। तो इसमें मेरा ये है राइस, मेरा हसर का चटनी और ये सोयाबीन का, सोयाबीन मतलब हमारा गालों में बोलते हैं पेयक, पेयक का चटनी। आप देखिए पेयक का चटनी। तो ये एक्चुअली कल रात को हम बनाया था लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आप लोग को भी बना के दिखाएगा। और ये है करेला और आलू का सब्जी जो मेरा बाइदो बना के गया है। बाइदो मतलब इन आसामीस दीदी, बड़ा दीदी। और ये है
माय फेवरेट बेम्बू शूट विथ राजा मिर्चा का अचार, और इसका भी एक दिन हम आप लोग को वीडियो बना के दिखाएगा। तो अभी खाते हम। ओ मेरा ओइट तो डालना भूल ही गया। और मेरा सामने में कोई बैठ के बहुत हंस रहा है, लेकिन खा तो ऐसे रहे जैसे कि ठीक से भर भर के, लेकिन हंस रहा है मेरा वीडियो पे बहुत ज्यादा। तो गाइस हम अभी अपना लंच एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी घर पे अच्छा से रहिए, सेफ रहिए, कोरोना समय में ज्यादा बाहर मत जाइए। मेरा जैसा होममेड फूड ही खाइए, और हम कोशिश करते रहेगा घर के अंदर बैठ के और वीडियोस बनाने का। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और काइंडली शेयर कर दीजिए। एंड टिल देन बाय बाय।